सो और भाई लोग यार कैसे हो सब, आई होप सब ठीक होंगे। तो आज आप फिर से देखते हैं बहुत सारे अमेजिंग ट्रिक्स को, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई पहले ट्रिक को करने के लिए आपको एक बाइक को ले लेना है। तो भाई नॉर्मल तरीके से तो आप लोग बाइक चलाते होंगे, तो आज मैं आपको इस बाइक से एक स्टंट करके दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको कैटलिस्ट हुआ कि इस वाले पहाड़ में बाइक को लेकर आ जाना फुल स्पीड में, और जैसे ही पत्थर से बाइक टकरा जाए तो सिंपली आपको राइट साइड में गाड़ी को मोड़ देना है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो भाई बाइक पूरा व्हीली मारते हुए इस साइड में जाएगी, जो कि देखने में यार काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है, आप लोग देख सकते हो। सो नेक्स्ट ट्रिक होने वाली है क्लॉक टावर के इस वाले हवेली में। तो भाई नॉर्मली इस हवेली के अंदर एनिमी यहाँ पे इस तरीके से बैठ के कैंप कर रहे होते हैं, तो अगर आप लोग नॉर्मली भाई डायरेक्ट ही रश करोगे तो एनिमी आपको बहुत इजीली यहाँ से हेडशॉट मार देगा। तो मैं आपको इस घर में रश करने का काफ़ी ज़्यादा एकदम मस्त वाली स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सिंपली आपको इस दीवार के ऊपर इस तरीके से एक ग्लूवल को लगा देना है, और उसके बाद सिंपली आपको इस बॉक्स की हेल्प से इस ग्लूवल के ऊपर आ जाना है। और यहाँ से जैसे आप लोग जंप करोगे आप लोग आ जाओगे इस हवेली के ऊपर, और यहाँ से बहुत इजीली एनिमीज को किल कर सकते हो। एनिमी को बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा आप लोग किधर से अंदर आ गए, और सरप्राइज अटैक देके एनिमी को आप लोग किल कर दोगे। और एनिमी अगर अंदर में बैठा हुआ है तो वहाँ पे भी आप लोग बहुत इजीली एनिमीज को किल कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको इस साइड से जंप करना है खिड़की पे, तो यहाँ से आप लोग अंदर आ जाओगे और अंदर बैठे एनिमी को भी बहुत इजीली किल कर पाओगे। सो बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की, और इस ट्रिक को करने के लिए आपको आ जाना है बुल्स आई में इस वाले लॉन्च पैड के पास। और यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको लॉन्च पैड को पेड़ के ऊपर इस तरीके से एम करना है। आप लोग अच्छे से देखो मैंने कहाँ पे एम किया है। तो सिंपली इस तरीके से एम करने के बाद जैसे आप लोग लॉन्च पैड को लॉन्च करोगे आप लोग आ जाओगे इस तरीके से हवा के ऊपर, और इसके बाद सिंपली आपको गेम को मिनिमाइज करके ओपन कर देना है। इसके बाद भाई साहब आप लोग देख सकते हो कितना दूर आ चुका हूँ मैं, और आप लोग देख सकते हो लॉन्च पैड कितना पीछे, और मैं बहुत ही आगे आ चुका हूँ। सो इस ट्रिक का यूज करके आप लोग अपने फ्रेंड्स को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कर सकते हो, और अगर आप लोग मिनिमाइज नहीं करोगे तो आप लोग इस तरीके से हवा के ऊपर जाके वापस से नीचे आ जाओगे। तो अगर आपका फ्रेंड भी इस ट्रिक को ट्राई करेगा तो वही वो कर ही नहीं पाएगा, तो इस तरीके से वापस से नीचे आ जाएगा। तो अब मैं आपको फ्रेंड का भी व्यू दिखा देता हूँ। तो भाई देखो मेरा फ्रेंड उसी ट्रिक को किया है, तो वो किस तरीके से भाई ऊपर जाने के बाद सीधा ही कितना दूर जा चुका है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की, और इस ट्रिक को करने के लिए आपको आ जाना है अल्पाइन मैप में। तो भाई मलेशिया में तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा रश रहता है, तो यहाँ पे आपको मैं एकदम मस्त वाला एक हाइडिंग प्लेस बताता हूँ। तो उसके लिए सिंपली आपको इस गाड़ी की हेल्प से इस घर के ऊपर आ जाना है, और ऊपर आने के बाद सिंपली आपको इस साइड में जाने के बाद इस तरीके से जंप कर देना है। इसके बाद आप लोग इस बॉर्डर पे आके अटक जाओगे, और जॉयस्टिक से थोड़ा सा आगे चले जाना आप लोग, और यहाँ पे आने के बाद आपको चारों साइड से अच्छे से कवर मिल जाएगा, कोई भी एनिमी आपको बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा यहाँ पे। और नीचे से कोई भी एनिमी आएगा वो भाई जितनी देर में आपको नोटिस करेगा तब तक में आप लोग ऊपर से बहुत इजीली उसको हेडशॉट मार के किल कर सकते हो। सो आप लोगों को कैसी लगी ये वाली हाइडिंग प्लेस आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना। सो बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, तो ये ट्रिक भाई क्लैश स्क्वाड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो क्लैश स्क्वाड में बहुत बार एनिमी इस डब्बे के पीछे कवर लेके यहाँ से इस तरीके से कवर फायर करते हैं, तो आप लोग को इस एनिमी को किल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मस्त वाली ट्रिक बताता हूँ। तो सिंपली आपको दीवार के साइड में आ जाना है, और यहाँ पे आपको क्राउच करने के बाद इस तरीके से एम करना है ग्रेनेड को, और जैसे आप लोग ग्रेनेड को फेंकोगे तो भाई ग्रेनेड दीवार के पूरा आर पार चले जाएगा, और ये एग्जैक्ट भाई उसी जगह पर जाता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल बॉक्स के पास ही जाके फटा है। और जैसे आप लोग कुक करके ग्रेनेड को फेंकोगे तो भाई एनिमी को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला, और वो बहुत इजीली किल हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, और इस ट्रिक को करने के लिए आपको किसी भी सीमेंटेड हाउस में आ जाना है, और यहाँ पे आपको किसी भी विंडो के पास आ जाना है, और उसके बाद सिंपली आप लोग कुछ भी लूट ड्रॉप कर देना है यहाँ पे ताकि एनिमी जल्दी से यहाँ पे आ जाए, और उसके बाद सिंपली आपको जंप करके आ जाना है विंडो के ऊपर, और ऊपर आने के बाद सिंपली आपको विंडो के बीच में अच्छे से बैठ जाना है और सिंपली लैंडमाइन को लगा देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे लैंडमाइन को लगाओगे तो आपका लैंडमाइन यहाँ पे टोटली हाइड हो जाएगा, आप लोग देख ही सकते हो भाई किसी भी साइड से लैंडमाइन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे जैसे कोई भी एनिमी लूट को लेना या फिर जंप करेगा खिड़की से वो यहाँ पे इजिली किल हो जाएगा अगर आपने दो लैंडमाइन का यूज किया है तो। सो इस तरीके से आप लोग स्मार्टली लैंडमाइन का यूज कर सकते हो, फ्री में किल ले सकते हो। सो नेक्स्ट को करने के लिए आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है, और एडम के सर के ऊपर एम कर लेना है, और एक फायर करने के बाद सिंपली आपको क्राउच करके फिर से खड़े होना और फिर से फायर करना है। तो भाई साहब आप लोग देख सकते हो क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे उसके हेड पे फायर कर रहा हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पे बॉडी डैमेज दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे पूरे हेड के ऊपर एम है लेकिन फिर भी बॉडी डैमेज दिखाता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और यहाँ पे अगर आप लोग फ्लेम थ्रोअर से फायर करोगे तो यहाँ पे भाई बॉडी पे 15 का डैमेज दिखाता है, और अगर हेड पर भी फायर करोगे तो भाई वहाँ पर भी 15 का ही डैमेज दिखाता है, आप लोग देख सकते हो सिर्फ यहाँ पे कलर रेड कलर में बदल जाता है। भाई मतलब इस गन से हेडशॉट मारो या बॉडी शॉट बिल्कुल बात बराबर ही होता है,
और यहाँ पे आप लोग इस गन से एक और ट्रिक का यूज कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे फायर बटन को होल्ड करके आ जाना है इस तरीके से कॉम्बैट जोन में, और यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको जॉयस्टिक को यूज करना है। इसके बाद आपका कैरेक्टर घोस्ट बन जाएगा। आप लोग देख ही सकते हो इसका पैर बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा और किस तरीके से स्लाइड करके चल रहा है। और अगर इसी सेम ट्रिक को अगर आप लोग फीमेल कैरेक्टर के साथ ट्राई करते हो ना, तो भैया तो कुछ अलग ही हो रहा है। आप लोग देख सकते हो भाई कैरेक्टर हवा के ऊपर फायर कर रहा है और मेरा एम अगर एनिमी पे जाता है तो भाई उसको एनिमी पे यहाँ पे डैमेज पड़ता है। तो बहुत ही ज्यादा अलग सही सीन होता है यहाँ पे। सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, और इस ट्रिक को करने के लिए आपको आ जाना एक बाइक को लेकर लॉन्च पैड के पास और अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो लॉन्च पैड को पूरा ऊपर कर दे। तो सिंपली आपको बाइक को अंदर लेके चले जाना है और अपने फ्रेंड से बोलना है वो लॉन्च पैड को जल्दी से नीचे करे और उसी टाइम पे आपको गेट आउट कर लेना है। और इतना जैसे आप लोग कर लो उसके बाद अपने फ्रेंड को बोलना वो गाड़ी को ड्राइव करे और उसके बाद सिंपली आप लोग गाड़ी में एंटर कर लेना। और आप लोग देख ही सकते हो भाई गाड़ी का व्हील किस तरीके से हवा के ऊपर आ चुका है और ये कितना ज्यादा फनी लग रहा है देखने में यार। काफी ज्यादा मस्त ट्रिक है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो और बाइक को इस तरीके से लंगड़ी बाइक बना के चला सकते हो। और इसी सेम ट्रिक को अगर आप लोग एमपीवीएन कार के साथ ट्राई करते हो तो यहाँ तो भाई कुछ अलग ही होता है। इसका चारों के चारों टायर हवा के ऊपर आ चुके हैं। आप लोग देख ही सकते हो भाई इसका चारों में से एक भी व्हील जमीन के ऊपर टच नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये गाड़ी हवा में फ्लोट करते हुए चल रही है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो इस ट्रिक को। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की, और इस ट्रिक को करने के लिए आपको आ जाना है अल्पाइन मैप में मिलिशिया में और स्टार से जंप करके आपको छत के ऊपर आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद जैसे आप लोग जंप करोगे स्टार के ऊपर तो भाई आपको यहाँ पे डैमेज देखने को मिलेगा। आप लोग देख ही सकते हो मुझे 5 का डैमेज पड़ा है, जो कि नॉर्मली किसी भी टायर पर ऐसा नहीं होता। आप लोग को पता होगा भाई टायर पर जंप करने से कहाँ डैमेज पड़ता है, तो लेकिन यहाँ पे इस वाले टायर पे ऐसा कुछ होता है। और इसी सेम ट्रिक को आप लोग क्लॉक टावर में भी कर सकते हो इस वाले टायर पे, यहाँ पर भी आपको डैमेज देखने को मिलता है। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताओ और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।